थाने में सीओ सरावर व एसएचओ राम सिंह मौर्य ने ग्राम प्रधान व जनप्रतिनिधियों से संवाद किया। कहा कि जिले में बच्चे चोरी गैंग को लेकर फैलाई जा रही अफवाह दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इन अफवाहों पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि कोई अफवाह फैलाता है तो उसके खिलाफ एनएसए के तहत कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। एसएचओ राम सिंह मौर्य ने जनप्रतिनिधियों से कहा कि वे अपने क्षेत्र में डुगडुगी बजाकर व लाउड स्पीकर के द्वारा यह सूचना प्रसारित कर दें कि है इस तरह की कोई अफवाह ना फैलाएं। अगर बच्चा चोरी या अन्य चोरी का कोई मामला सामने आता है तो तुरंत पुलिस की सहायता के लिए 112 पर कॉल करें। इस दौरान चित्र के ग्राम प्रधान चेयरमैन व अन्य समाज सेवी लोगों ने इस मीटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और क्षेत्र में कोई इस तरह की अनहोनी घटना न घटे इसके लिए प्रशासन को आश्वस्त किया। भीष्मपाल सिंह, कासगंज, समाचार 24। यहाँ जो बाबा टाइप के लोग हैं, कुछ लोग शरारत में बच्चा चोरी का फला के घर से चोरी हो गया, उस गांव में चोरी हुआ, वहाँ चार लाशें मिली बच्चों की, ये एक अफवाह है, कोरी अफवाह है। तो शासन ने एक पहल की है जिसका आशय है कि हमारे समाज के जितने सम्मानित व्यक्ति हैं, हमारे ग्राम प्रधान हैं, हमारे गांव में रहने वाले मौजूद व्यक्ति हैं, पीस कमेटी के लोग हैं, मोहल्ला ग्राम समिति के लोग हैं, उन लोगों को बुला के हम ये दायित्व सौंपना चाहते हैं कि एक मानव की हानि करने या चार पाँच मानवों को मार देने से कोई समस्या का समाधान नहीं होगा। सरकार का रुख बहुत स्पष्ट और सख्त है कि निर्दोष और बेगुनाह लोगों को इस बच्चा चोरी की आड़ पे ना मारे, और हमारा भी परम दायित्व कि हम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो किसी का जीवन बचाने का हम हमारा भी ये दायित्व है, आप सब लोगों का भी ये फर्ज है। हमें चींटी भी मर जाती है तो हमको कट सकता है, या कोई जानवर घायल हो जाता है, भले वो कट करना जानवर हो, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि वेटनरी डॉक्टर आ जाए या फिर मुँह बांध दिया जाए, इसको दवा दारू दी जाए। तो हमें जन्म से ही दया भाव सिखाया जाता है, मनुष्य जीवन में इस संसार के सर्वश्रेष्ठ प्राणियों में से एक मनुष्य ही है, जिसके पास अपना विवेक है, बुद्धि है, जो सोच सकता है, समझ सकता है, गलत सही में भेद कर सकता है। बाकी इस संसार में कोई ऐसी जानवर नहीं होना है जो गलत और सही का भेद कर सके। आप मेरी बात से सहमत हैं? क्षणिक लाभ के लिए, क्षणिक आनंद के लिए हम निर्दोष लोगों को टारगेट ना बनाएं। हमारे बीच में से कुछ लोग ऐसे हैं जो सामान्य से हटकर असमान घटना करवा दे रहे हैं, तो ऐसे लोगों पे सतत निगाह रखनी चाहिए। ऐसे लोगों के अवेयर के लिए आप सब लोगों को आगे आना चाहिए और हमें सूचना दीजिए, हम जितनी जल्दी हो सके वहां पहुंचेंगे, कार्रवाई भी करेंगे और निर्दोष लोगों को नहीं मरने देंगे। हम समाज में शांति सद्भावना अकेले नहीं कर सकते, बिना आपके सहयोग के कायम नहीं होती। तो समाज के प्रबुद्ध वर्ग से हम निवेदन करते हैं कि आप आइए आगे, हमारी मदद करिए ताकि क्षेत्र विशेष में सुख शांति बनी रहे। मरने वाला तो मर जाएगा, लेकिन कष्ट सबको होगा कि निर्दोष मर जाए, निर्दोषों को नहीं मरवाइए। कथित चंद प्रभावी तब ऐसा कर रहे हैं। अभी हाल में ही जियो कंपनी के टावर पर काम करने वाले 400 लोगों को पकड़ लिया, ये कहते हैं कि इन पर रस्सा भी है, इन पर चक्कू भी है, इन पर प्लास भी है। आदमी जब जियो के टावर पर चलेगा तो रस्सी की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? बिजली का काम करेगा, प्लास पे इसका चाहिए कि नहीं चाहिए? इसके अलावा वो बहुत मालदार घर के लोग सुनेंगे, अब संविदा कर्मी लाइनमैन कितना मालदार होगा, उसके कपड़े